नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी के SGS बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आरंभिक क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि RO/RO की परीक्षा में विभिन्न विषयों से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी हर सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहता है। उसके बाद जब हम लोग ने पॉलिटी क्लास स्टार्ट की थी, तो पॉलिटी में भी इसी प्रकार से हम लोगों ने यह समझा था कि विभिन्न चैप्टर्स से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है। अब जबकि हम लोग अपनी ज्योग्राफी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, उस समय पर हम लोगों के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग ये समझें कि उसमें विभिन्न चैप्टर्स का क्या विषय, क्या उसका क्लासिफिकेशन रहता है, किस आधार पर उसके वेटेज रहता है अंकों में, और उनमें विभिन्न जो अध्याय हैं उनका हर अध्याय से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको समझ लें। जाहिर सी बात है कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट शुरू करें, उसमें यह बहुत जरूरी होता है कि वो जिस विषय की या जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उसको ध्यान में रख करके, उसके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को ध्यान में रख करके, उन प्रश्नों के आधार पर यह तय कर लें कि कौन सा चैप्टर, अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करें इसको, कौन सा चैप्टर यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ रहा है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, जिसको केवल एक बार रीड कर लेना ही पर्याप्त होगा। उसके अतिरिक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज करना जरूरी होता है। इस आधार पर यदि हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे तो कम समय में बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे, खासतौर पर जब आपके पास GS जैसे अथाह विषय को अगले 3 से 4 महीनों में कवर करना है, तो यह रणनीति बहुत कारगर रणनीति होती है। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अपनी बातों को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी का, क्योंकि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से ही शुरुआत करने जा रहे हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसे मैं नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, बल्कि जो आनंद सर हैं, जिनकी अभी एक क्लास रिसेंटली आपको यूट्यूब पर डाली भी गई थी, वो आपको पढ़ा पाएंगे, और वो अपने आप में बहुत ही क्वालिफाइड टीचर हैं। लगभग 7 से 8 साल का उनका अपना एक्सपीरियंस है, एग्जाम को देने का भी, उनको निकालने का भी, और उसके बाद पढ़ाने का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर एग्जैक्टली बात करें तो एक उन्होंने PCS का इंटरव्यू दिया है, 2 UPSC का और 3 PCS का मेंस लिखा है, उसके बाद 2 RO का मेंस लिखा है। तो इस प्रकार का उनका अपना एक निजी अनुभव है, उसके साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो पढ़ाने का भी अच्छा खासा शिक्षण का अनुभव है। तो उस सब, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए, आप वैसे भी उनकी एक क्लास पढ़ी है, आप उनकी योग्यता को एनालाइज कर सकते हैं, जो उनकी एक क्लास अभी डेमो के रूप में यूट्यूब पे अवेलेबल कराई गई थी लास्ट वीक। देखिए, अब हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। ये पढ़ाएंगे तो आपको आनंद सर ही, लेकिन मैं आपको यहां पर कुछ एक रणनीति से रिलेटेड, कुछ एक उसकी तैयारी से रिलेटेड, क्या एक स्मार्ट प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी हो सकती है, उसको डिस्कस करने के लिए मैं आपकी पहली क्लास लेने आया हूं, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझनी बहुत जरूरी है। खासतौर पर देखिए, अगर हम लोग देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, अगर इन दोनों की बात करें, तो यहां पर देखिए जो हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन है, ज्योग्राफी का पोर्शन ही हमारा लगभग 20 मार्क्स के करीब इसका ऑन एन एवरेज आता है। जैसा कि मैंने आपको आरंभिक वीडियोज में बताया था, ज्योग्राफी से लगभग 20 प्रश्न, और 20/140 करें तो अच्छा खासा इसका हमें वेटेज देखने को मिलता है, ठीक है, ज्योग्राफी से। और खास बात यह है कि इस ज्योग्राफी में से यदि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को अलग अलग करें, तो इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज मिलता है यहां पर लगभग 14 का, और वहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी लगभग 6 मार्क्स का। यह मैं लास्ट 5 ईयर्स के एनालिसिस के आधार पर अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। और इसमें देखिए कि आप इंडियन ज्योग्राफी मिल रहा है लगभग 14 का और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिल रहा है 6 का, यही बात यहां पर लिखा भी गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये इंडियन ज्योग्राफी आपका 14 नंबर, वर्ल्ड ज्योग्राफी 6 नंबर। अब ऐसा क्यों है? पहली बात तो यही है कि आपको ऑब्वियस सी बात है कि वर्ल्ड, आप इंडियन, इंडिया में रह रहे हैं, तो फिर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको जानना ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात देखिए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो कुछ ज्यादातर चैप्टर्स उसके अवधारणात्मक हैं, जबकि इंडियन ज्योग्राफी के ज्यादातर चैप्टर्स वो तथ्यात्मक रूप में होते हैं। तथ्यात्मक रूप में फैक्ट्स ज्यादा होते हैं, और फैक्ट्स की गुंजाइश, यानी फैक्ट्स पूछे जाने की गुंजाइश, वो भी ज्यादा होती है इंडियन ज्योग्राफी में। बात करें अगर आपका RO/RO का पेपर, तो यह भी कुछ इसी प्रकृति का है, जहां पर फैक्चुअल क्वेश्चंस का टेंडेंसी ज्यादा होती है। इस वजह से यहां पर इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न ज्यादा मिलना समीचीन है,
और इसमें यदि देखें कि फैक्ट्स अगर ज्यादा हो तो फैक्ट्स को याद करने में सबसे ज्यादा समस्या यह आती है कि उनको इतने ज्यादा फैक्ट्स को याद कैसे किया जाए। परंतु भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें यदि मैप के साथ आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो आप वास्तव में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चीजों को रटना बहुत समय तक आपको नहीं सर्वाइव करा पाता है। तो ऐसे में आपको चीजों को थोड़ा सा मैप्स के साथ यदि समझेंगे तो फिर आप लोगों को चीजों को याद करने में, उन तथ्यों को याद करने में आसानी होगी। वही चीज हम लोग यहां पर कर रहे हैं। जो इंडियन ज्योग्राफी है वो ज्यादा से ज्यादा जितने भी पोर्शन ऐसे हैं जिनमें आपको मैप से बताया जा सका है वो सभी पोर्शन आपके मैप से ही कवर कराए जाएंगे। अब देखिए यहां पर बात करते हैं कि भारत का भूगोल, भारत के भूगोल से विभिन्न वर्षों में क्या एक वेटेज रहा है उसको समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए भारत के भूगोल की यदि बात करें, अभी आप लोग कुछ नोट करने में ना लगिएगा, ये आपको सारा पीडीएफ वगैरह ये दे दिया जाएगा, ऐप पे भी दे दिया जाएगा और बाद में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाऊंगा। ऐप में तो ये सुविधा नहीं है पर यूट्यूब में ये सुविधा जरूर अवेलेबल है। तो देखिए भारत का भूगोल की यदि हम लोग बात करें तो 2021 की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में, उसके पहले 2017 की जो 2016 की पुनर्परीक्षा हुई थी और 2016 की जो निरस्त परीक्षा हुई थी, इन 5 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर हम लोग अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। पहले बात करते हैं कि विभिन्न विषयों से, विभिन्न चैप्टर से कितने कितने अंक पूछे गए हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी अगली स्लाइड में, हम लोग बात करेंगे कि कौन से लेवल, कौन से टफ लेवल के हैं, कौन से इजी लेवल के हैं, या फिर कौन सा बड़ा चैप्टर है, कौन सा छोटा चैप्टर, किसको तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इन सभी विषयों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, देखते हैं कि भारत का भूगोल जो है हमारा, भारत का भूगोल 2021 में पूछा गया 14 नंबर का, उससे पहले 16 का, उससे पहले 12, फिर 14, फिर 15। तो कुछ इस प्रकार का भारत का भूगोल जो है वो पूछा जाता है। अगर इनका एक एवरेज हम लोग लें तो ये लगभग हमारा 14 प्रश्न के करीब बैठता है। ठीक है, तो इस समय में यदि हम लोग देखें तो 14 प्रश्न हमारे भारत के भूगोल से पूछे जा रहे हैं, जिसमें जो उसके सबसे आरंभिक चैप्टर्स होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं भौतिक संरचना, उसमें एक तो आपका भारत परिचय वाला चैप्टर आ जाता है जो कि लगभग हर बुक्स में इसी नाम से होता है, भारत परिचय, जहां पर आपको भारत से रिलेटेड कर्क मकर रेखा, कर्क रेखा वो कहां कहां से गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं, कितने तट हैं, ये सब सभी चीजें उसमें बताई गई रहती हैं। उसके बाद एक उससे रिलेटेड चैप्टर रहता है भूआकृतिक प्रदेश। भूआकृतिक प्रदेश में बेसिकली वही आपका पहाड़ पर्वत ये सब क्या है, कहां है, पठार कौन सा है, इनके बारे में बात की गई रहती है। तो ये दोनों चैप्टर्स जो भौतिक संरचना वाले होते हैं उनसे यहां पर आपके 2021 में तो एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, परंतु उससे पहले 3303 इस प्रकार का कुछ हमें वेटेज देखने को मिलता है भौतिक संरचना वाले चैप्टर से, इन दो चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र मतलब जो आपके नदी नदी तालाब झरने और लेक्स वगैरह होते हैं, जो झील हो गई, तो ये सभी जो रहते हैं या फिर आपका इसमें जो डैम्स वगैरह बने रहते हैं वो सभी अगर हम लोग यहां पर शामिल कर दें तो इससे आपका जो वेटेज दिखता है वो 2 नंबर 5 नंबर 1 नंबर 0 3 कुछ इस प्रकार का वेटेज दिखता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कृषि की, कृषि को कुछ लोग एक पृथक विषय के रूप में भी मानते हैं, हालांकि कृषि का ज्यादातर हिस्सा वो आपके भूगोल से ही कवर होता है, उसके अतिरिक्त जो हिस्सा है वो बायोलॉजी से और इकोनॉमी से, इन दोनों का मिला करके वो कवर होता है, लेकिन लगभग हाफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो भौगोलिक कृषि से ही पूछे जाते हैं। और इसको पृथक विषय के रूप में तैयार भी आप कर सकते हैं, किंतु अगर आप तीनों विषय में जाकर तैयार करेंगे तो तीनों ही विषय यानी अर्थव्यवस्था में, बायोलॉजी में और ज्योग्राफी में, इन तीनों विषय में जो कृषि का चैप्टर दिया रहता है उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और यहां पर जो वेटेज दिया जाता है वो देखिए आपका 6 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 3 4 यानी अच्छा खासा वेटेज हमें कृषि से मिलता है। अभी इन सबकी एनालिसिस पर हम लोग आगे आएंगे, उससे पहले देखते हैं मृदा, मृदा वाला चैप्टर, मृदा से देखिए 1 प्रश्न 0 2 3 3 ठीक है। उसके बाद देखेंगे उद्योग, उद्योग एक ऐसा चैप्टर है जो वैसे तो मतलब यहां पर इधर हाल के वर्षों में काफी पूछा गया, 3 2 उसके पहले उतना ज्यादा नहीं पूछा गया, 1 प्रश्न इधर पूछा गया था। खनिज वाले चैप्टर पर अगर बात करें तो इधर 0 लेकिन उसके पहले 1 1 3 1 देखिए खनिज उद्योग ये दोनों जो चैप्टर्स हैं और स्पेशली यदि इसमें अगर हम लोग ऊर्जा भी शामिल कर दें, ये देखिए
खनिज उद्योग और ये ऊर्जा, ये तीनों अगर चैप्टर्स को हम लोग मिला दें तो ये चैप्टर्स कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि नॉर्मली आपकी यूपीपीसीएस की अन्य कोई भी परीक्षा में उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं जितना आपके आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्योंकि आरओ एआरओ की परीक्षा में आपसे ये एक्सपेक्टेड रहता है कि आपको ये अलग से ही, बल्कि ये सिलेबस में डाल दिया जाता है और अलग से ही आपको प्राकृतिक संसाधन या ऊर्जा ये सब चैप्टर्स आपको पढ़ने रहते हैं। तो यहां पर इसका वेटेज हमें ठीक ठाक दिख जाता है प्राकृतिक संसाधन का। ठीक है, इसमें यदि बात करें तो ऊर्जा वाले में भी हमारा 2 प्रश्न 0 0 1 0, ये कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक एनालिसिस लेके आप समझ सकते हैं कि आपको कितना कहां पर ध्यान देना है। जलवायु वाले चैप्टर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, 0, उसके पहले 1 प्रश्न, फिर 0 0 1। और जनजाति, जनजाति वाला चैप्टर देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन, वो इसलिए क्योंकि चैप्टर आपका बहुत बड़ा नहीं है परंतु उससे लगभग 1 प्रश्न हमें हर वर्ष दिख जा रहा है, 1 प्रश्न 1 प्रश्न 1 प्रश्न। ठीक है, और ये जो आप ये मान के चलिए कि अगर ये हम लोग बात करें, ये जो भी आंकड़ों का विश्लेषण हो रहा है उसमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो पिछले 3 है उस पर हम लोगों को ज्यादा गौर करने की आवश्यकता है। जो 2017 से पैटर्न एक है उसको, 2017 से पैटर्न में काफी बदलाव आया है यूपीपीएससी के, और साथ में ये लेटेस्ट भी है, इस वजह से हम लोग 2017, 16 और 21, इससे ज्यादा अब चूंकि बीच में परीक्षाएं हुई ही नहीं तो इस वजह से कोई हम लोग ट्रेंड नहीं डेवलप कर सकते हैं उसका, उसको समझ नहीं सकते हैं। लेकिन इन महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स को, इन महत्वपूर्ण चैप्टर्स को समझने के क्रम में यूपीपीसीएस का भी एक थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग इसको रखे हैं, यद्यपि उसमें अंक तो इस प्रकार के नहीं रखे गए हैं लेकिन फिर भी एक जो हमारा एनालिसिस है अपना आगे का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें हम लोग यूपीपीसीएस के भी वेटेज को कंसिडर किए हैं। क्योंकि यूपीपीसीएस के वेटेज, यूपीपीसीएस के जो भी एग्जाम्स हैं वो रेगुलर होते रहते हैं और हाल के 2-3 वर्षों का हम लोग उसमें एक ट्रेंड समझने के लिए उसको आधार बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आधार पर, यानी जो अभी आपने विषयवार, जो यहां पर अध्यायवार आवंटन देखा अंकों का, उसके आधार पर हम लोगों को क्या क्या निष्कर्ष समझ में आते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका ये जो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है, बड़े चैप्टर्स हैं लेकिन हाईली स्कोरिंग है, यहां पर अंक जो है ज्यादा पूछे जाते हैं, यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यद्यपि ये बड़े हैं लेकिन यहां पर जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट लेवल होता है, मतलब कुछ प्रश्न उसमें जरूर आपको टफ मिल सकते हैं, मीडियम लेवल के मिल सकते हैं परंतु ज्यादातर प्रश्न उसमें इजी रहते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका भौतिक संरचना वाला चैप्टर है यानी जो पहले के दोनों चैप्टर्स, उसके बाद अपवाह तंत्र, उसके बाद कृषि, ये तीनों ही अपने आप में बड़े चैप्टर्स हैं और लगभग अगर आप इनको तैयार कर लिए तो आप ये मान के चलिए ज्योग्राफी का आप मेजर पोर्शन तैयार कर चुके हैं। ठीक है, तो इन तीनों को तैयार करना ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें से जो आनंद सर आपको पढ़ाएंगे उनका देखिए, इन दोनों सब्जेक्ट्स को अगर हम लोग, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं हमारे भौतिक संरचना और अपवाह तंत्र, इसको तो पूरा मैप पर ही पढ़ाएंगे, मैप के ही थ्रू पढ़ाएंगे, आपको काफी इंटरेस्टिंग भी वो क्लासेस लगेंगी क्योंकि सारा चीज वो उसमें कॉन्सेप्ट्स के साथ में सारे फैक्ट्स लगभग वो कवर करा देंगे। उसके अलावा देखिए कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा लेंथ नहीं रहती उनकी, मतलब बहुत छोटे भी नहीं है, बहुत बड़े भी नहीं है, मीडियम लेंथ के चैप्टर हैं लेकिन वो स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी नहीं है, लाइक यहां हाईली स्कोरिंग तो नहीं है पर स्कोरिंग है लेकिन लेवल उनका जरा टफ रहता है। तो लेवल जो टफ रहता है उनमें कौन से चैप्टर्स आते हैं, तो एक तो आपका खनिज संसाधन, एक ऊर्जा और एक उद्योग, ये ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। उसके बाद बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है लेकिन ये जितने रहते हैं उतने ही में एकदम हालत खराब कर देते हैं याद करने में। इसको हम लोग की क्या रणनीति रहेगी पढ़ने की, तो इसमें कि ज्यादातर चीजें जो फैक्ट्स बेस्ड रहती हैं वो फैक्ट्स ऑलरेडी हम लोग अपनी फैक्ट शीट जो आपको डेली बेसिस पर दी जाती है उससे कवर करा देंगे। उसके अलावा कुछ अन्य चीजें आपको मैप के माध्यम से आनंद सर यहां पर कवर करा देंगे ताकि आप लोगों को चीजें केवल रटनी ना पड़े बल्कि थोड़ा सा मैप के हिसाब से आपका एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये चीज यहां पर है, ये यहां पर है। तो इसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे
आपका नरौरा कहां पर है, रावत भाटा कहां पर है, इस तरह के प्रश्न आपके ऊर्जा में पूछ लिए जाते हैं, या फिर कौन सा गैर नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय कौन सा है, ये सब प्रश्न खनिज में आपका पूछ लिया जाता है कि लौह संयंत्र के लिए कौन सी जगह फेमस है, कौन सी खान फेमस है, ऐसे करके यहां पर चीजें पूछी जाती हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मगर इसको हम लोग डेली बेसिस पर फैक्टशीट के माध्यम से, उसके बाद जब आपकी क्लास होगी उसमें मैप के माध्यम से, ऐसे करके हम लोग इसको कवर करेंगे। उसके बाद आता है, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि छोटे हैं, इजी हैं, आसान भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंक के नहीं रहते हैं, परंतु चूंकि छोटे हैं तो उनसे अगर एक नंबर का भी आ जा रहा है तो वो भी आपके लिए ऐसा है कि आपको उसको छोड़ना नहीं है, यानी ये कभी किसी कीमत पे आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, वैसे चैप्टर्स हैं, क्योंकि यहां पर आपको उससे प्रश्न जरूर मिल जाते हैं। जैसे यहां पर एक चैप्टर है जनजाति वाला, अभी हम लोग ने पीछे देखा एक एक नंबर का हर वर्ष पूछा जा रहा है, और याद कितना करना है, तो याद करने के लिए आपका वही डेढ़ दो पेज में जो चीजें रहती हैं वही केवल याद करनी है उसको, ये जनजाति कहां पे पाई जाती है, थारू कहां पाई जाती है, गोंड कहां पाई जाती है, यही कुछ चीजें हैं जो याद करनी है, और उसी आधार पे आपका प्रश्न भी बन जाता है। तो इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है चैप्टर। दूसरी बात, नगरीकरण, नगरीकरण वाला चैप्टर भी ऐसा है जिससे हर साल एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चूंकि ये आर ओ आर ओ के सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है इसलिए इसकी और भी ज्यादा महत्ता बढ़ जाती है। प्रति वर्ष शायद ही कोई ऐसा वर्ष हुआ है जिस वर्ष यहां पर नगरीकरण से प्रश्न ना पूछे गए हों, यद्यपि अभी पीछे जो हम लोगों ने देखा उसमें नगरीकरण वाले चैप्टर नहीं इंक्लूडेड था। उसका कारण यह है कि जनसंख्या और नगरीकरण का हम लोग अलग से ही, जब वो टॉपिक शुरू होगा हमारी क्लास में तब हम लोग उसको प्रिपेयर करके बताएंगे। फिलहाल नगरीकरण भी आपका ये अच्छा एक चैप्टर है जिसमें केवल दो पेज या तीन पेज आपको पढ़ना है, और उन दो तीन पेजेस के हिसाब से आपका समझ लीजिए कि अच्छा खासा एक दो नंबर यहाँ पर आपको इससे मिल जाएगा। उसके बाद मृदा, मृदा एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सर तो आपको पूरा मैप के माध्यम से उसमें समझाएंगे कि कहाँ पर क्या कौन सी मृदा पाई जाती है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप ये समझ लीजिए कि मृदा से आपको एक या दो प्रश्न, तीन प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं, पीछे हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन देखा भी है। तो ये कुछ इस प्रकार से, अब इन चीजों को भी हम लोग अपनी क्लास में अच्छे से ही कवर करेंगे। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये जो बड़े चैप्टर्स हैं ये हो गए, ये हो गए उससे छोटे चैप्टर्स, ये सबसे छोटे चैप्टर्स, यहां से एक एक नंबर तो लगभग पक्का ही है, यहां से आपके ज्यादातर अंक आते हैं इसी से, तो इसलिए इनको तो पढ़ना अच्छे से है ही। इसको आप, ये टफ रहते हैं लेकिन इसको आप डेली बेसिस पर कवर करते चलिए, फैक्ट्स ज्यादा रहते हैं उनको रटते चलिए, तो इस तरीके से आपका यह भी पोर्शन कवर हो जाएगा, और ओवरऑल जो आपके 14 प्रश्न आते हैं 14 में से 12-13 प्रश्न आप सही करने की स्थिति में होंगे। अब क्यों होंगे, क्योंकि आपके पास समय है कम, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन का जो वेटेज है वो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा है। इंडियन ज्योग्राफी आपको पता है कि अच्छे खासे वेटेज में पूछी जाती है। अब 14 नंबर अगर 140 में आप मान लीजिए 140 में अगर 14 नंबर पूछा जा रहा है, सीधा सीधा 10% का वेटेज है आपका, और 10% में आप ये ना देखिए कि आपको एक बुक कवर करनी है, आप केवल ये देखिए कि आपको ये तीन चैप्टर इधर, ये तीन और बाकी ये दो दो पेज वाले चैप्टर तीन, तो ऐसे करके 9 चैप्टर जिसमें ये तो बड़े चैप्टर है परंतु ये दो दो पेज वाले हैं, 6 पेज इधर हो गए और बाकी ये लगभग हो गए कुछ पेजेस, तो ऐसे करके आपका कुछ पेजेस में ही आप समझ लीजिए कि ये दोनों पोर्शन निपट जाएंगे, उसके बाद थोड़े से पेजेस में ये, तो यानी आप इस तरीके से देखेंगे तो लगभग ये करीब आपकी 60% बुक में ही पूरा आपका ज्योग्राफी का पोर्शन हो जाएगा। अब इस 60% बुक में सोचिए, समय कम है उस हिसाब से आपको 40% नहीं पढ़ना है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा सुविधा की बात हो जाएगी, या फिर आप उनको पढ़ेंगे परंतु बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। रिवाइज अगर आप इनको करेंगे, क्योंकि प्रश्न यहां से ज्यादा बन रहे हैं, इनको आप रिवाइज करेंगे तो वो आपके ज्यादा काम में आएगा। होता क्या है कि आमतौर पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो फिर लगता है कि यार ये भी चीज क्यों छोड़ो, ये भी चीज क्यों छोड़ो, सब पढ़ डालो, तो वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, आप एक बार सारा पढ़ लीजिए, परंतु जब जब रिवाइज करने की बात आए तो रिवाइज ज्यादा उन्हीं को कीजिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको केवल एक बार पढ़ डालिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहां पर एक जलवायु का चैप्टर आता है, क्लाइमेट वाला, जो इंडियन भारतीय जलवायु का आता है। अब ये चैप्टर ऐसा है जो बड़ा भी है, स्कोरिंग भी नहीं है और कठिन भी है, तो ऐसे चैप्टर्स को छूना ही क्यों, आप उसको पढ़ डालिए, ठीक है, एक जनरल समझ आपकी बन जाएगी, अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाइए,
ठीक है, अब हम लोग वैसे कराएंगे आपको कोर्स के स्तर पर आप लोग ये सारी चीजें अपने दिमाग में ध्यान से रखिएगा। प्राकृतिक वनस्पति वाला चैप्टर भी कुछ इसी प्रकार का है, जिससे वेटेज तो कम है परंतु वो उसमें याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा रहती है, कठिन रहता है चैप्टर अपने आप में। पशुपालन छोटा चैप्टर है परंतु इससे उतना ज्यादा पूछे जाने की ट्रेंड नहीं है। परिवहन यहाँ पर एक ऐसा चैप्टर है जो कि आरओ आरओ की परीक्षा में भले ही कम पूछा जाता है परंतु अन्य परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, तो परिवहन को आप चाहे तो एक बार एक से ज्यादा बार भी रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए एक चैप्टर भाषा का होता है, आपदाएं का होता है, ये सब तो बेकारी चैप्टर है, इनको तो चाहे तो एक बार भी ना पढ़ें। तो इस तरीके से आप आपकी जो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन है वो कुछ चलेगी। हम लोग अपनी तरफ से जो आनंद सर आपको सारी चीजें कराएंगे उसके साथ में आपको जो नोट्स दिए जाएंगे वह भी कुछ मैप बेस्ड ही रहेंगे, मतलब हर बात को जो भी बात यहाँ पर समझाई जाएगी उसके आधार पर ही मैप भी तैयार करके दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त यदि सर भी आपको कोई क्लास में कुछ बात समझा रहे हैं तो उसमें भी आप मैप के थ्रू ही उसको मतलब आप अपने साथ साथ भी कुछ लिखते हुए चलिए, मैप के थ्रू बनाते हुए समझते हुए चलिए, तो फिर आपका एक अच्छी तैयारी ओवरऑल साथ साथ में हो जाएगी। चूंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इस सब्जेक्ट के लिए आपको जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि हम लोग अपनी तरफ से करा ही रहे हैं, आपको जो डेली टेस्ट दिया जाता है डेली टेस्ट में भी वो क्वेश्चंस होते रहते हैं, उसके साथ ही आपको जो पीवाईक्यू का पीडीएफ दिया जाता है उस पीडीएफ के माध्यम से भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कम से कम सारे ही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको उसके अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न अपने से आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये प्रश्न जो भी इन चैप्टर से रिलेटेड हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे तो आपका ये इंडियन ज्योग्राफी की बाध्यता जो है पूरी तरीके से, इसकी जो एक हर्डल है मेन, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो फिर इंडियन ज्योग्राफी एक बाधा नहीं रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी अगर आपने क्रैक कर लिया तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि आरओ का एक मेजर पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक एनालिसिस रहा जो एक चीजें समझनी जरूरी रहती हैं। कोई भी विषय यदि आप शुरू कर रहे हैं सबसे पहले उसको इस आधार पर जरूर समझ लीजिए कि विभिन्न विषयों से, मैं यहां से हट जा रहा हूं यदि किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जितने भी ऐसे विषय रहते हैं जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले उसका एक ट्रेंड जरूर समझ लें कि वो ट्रेंड में क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर कितना पूछा जाता है उसको भी समझना बेहद जरूरी है। उसके बाद आप लोग अपना तैयारी की शुरुआत करेंगे तो आप लोग कम से कम जिन चीजों पर ध्यान ज्यादा देना है, जिन्हें रिवाइज ज्यादा करना है उसको ज्यादा रिवाइज कीजिए, और जो चीज कम महत्व की है उनको एक दो बार पढ़ के ही अपना काम आप चला सकते हैं। तो ये रहा कुछ एक एनालिसिस इंडियन ज्योग्राफी का। नेक्स्ट टर्म से नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो आनंद सर ही लेंगे, बहुत ही अनुभवी बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं जिनका समय हम लोगों को बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोग उनसे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे और निश्चित रूप से इस परीक्षा में परिणाम के रूप में आपका वह लाभ कन्वर्ट भी होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद।